हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी रेलवे LP एंड टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, एंड अभी जो GDC का एग्जामिनेशन, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो पेपर आपका आएगा, ठीक है, तो उसके उसके लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसका पेपर कैसे होगा, उसके लिए मॉडल एंड सजेस्टिव क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन सीरीज जो मैंने प्रिपेयर किया हूँ, ये क्या है, डिफरेंट RRB का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हिसाब करके मैं ये पेपर जो है प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है। हर एक देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको सब डिस्कस करूंगा। एंड देखिए, इसका अगर PDF कॉपी आपको ज़रूरत है तो उसके लिए मेरा ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा ऐप्स का जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। एंड इसका टेस्ट भी आपका जैसे CBT एग्जामिनेशन होता है, CBT एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको भी आप ऐप्स में जाके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे GDC एग्जामिनेशन एंड रेल के लिए मेरा लाइव क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो आपको अगर अपडेट होना है तो आप ऐप्स एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ऐप्स जो है उसको डाउनलोड करने ही चलेगा, आपको उसका कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन है, फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सडन फैटिग व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग पिग आयरन। तो देखिए, पिग आयरन जो है ना मेरा दोस्त, ये जो पिग आयरन है, ठीक है, ये है सभी आयरन का रॉ मटेरियल। एंड ये जो पिग आयरन बनता है कौन सा फर्नेस से, ब्लास्ट फर्नेस से मैन्युफैक्चरिंग होता है पिग आयरन। पिग आयरन जो बनता है ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है। एंड देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस किसको हम बोलते हैं, अगर कोई मटेरियल फ्रैक्चर से पहले उसका कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई स्थायी विकृति अगर नहीं है, ठीक है, फ्रैक्चर से पहले, तो उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन, कास्ट आयरन है एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल, ठीक है। तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा है, द कॉमन नेम ऑफ रेड लेड। तो रेड लेड जो है उसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा, लेड ऑक्साइड। तो रेड लेड का जो कॉमन नेम है, ठीक है, उसका नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम लेड ऑक्साइड, ठीक है। एंड देखिए, इसका अगर फॉर्मूला अगर आपको पूछेगा, रेड लेड का जो फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो है Pb3O4, ठीक है, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। एंड देखिए, आपको एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, रेड लेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो रेड लेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 8.32, ठीक है, 8.32 हो जाएगा रेड लेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कॉमन नेम जो है रेड लेड का वो क्या है, लेड ऑक्साइड, ये होगा आपका आंसर। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है Pb3O4, ठीक है, एंड इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हो जाएगा 8.32, ठीक है, 8.32 हो जाएगा स्पेस का स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा है, हम देख लेते हैं, द मोस्ट फेवरेबल मेटल फॉर केमिकल प्लांट्स एंड फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इज स्टेनलेस स्टील बिकॉज इट हैज हाई कोरोशन रेजिस्टेंस एट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, RRB ALP रांची 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है, हमको अगर जो खाद्य प्रक्रियाकरण जो शिल्प है, ठीक है, जिस जिधर में फूड प्रोसेसिंग होता है, उसमें हम कौन सा मेटल का चयन करते हैं, उसमें हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाईली कोरोशन रेजिस्टेंस मटेरियल है, ठीक है। एंड देखिए, इसके साथ आपको जो नोट डाउन करना पड़ेगा, जो मेन अलॉयिंग एलिमेंट है स्टेनलेस स्टील का वो क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो स्टेनलेस स्टील का मेन अलॉयिंग एलिमेंट, ठीक है, क्रोमियम प्रेजेंट रहते ही है, ठीक है। एंड 10.5% मिनिमम क्रोमियम परसेंटेज होता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का मिनिमम जो क्रोमियम परसेंटेज रहता है वो है 10.5%। एंड देखिए, ये जो स्टेनलेस स्टील हम अगर फूड प्रोसेसिंग में हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं,
क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर में भी इसका कोरोशन रेजिस्टेंस इफेक्ट उसका बरकरार रहता है, ठीक है। उसका जो एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हम जब आते हैं, जो ये जो बर्तन जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं फूड प्रोसेसिंग के टाइम में, वो क्या है, एलिवेटेड टेम्परेचर में भी उसका जो कोरोशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, कोरोशन रेजिस्टेंस जो उसका क्षमता है, उसका बराकर रखता है, ठीक है। उसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन हम आगे का बढ़ेंगे क्वेश्चन फोर में। देखिए ये जो क्वेश्चन आरआरबी रांची में आया था, लेकिन 2014 में, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट कोरोसिव। इनमें से जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन में, इनमें से कौन सा मटेरियल है वो जो है मोस्ट कोरोसिव है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ए हाईली कोरोसिव है। एंड देखिए इसमें आपको अगर कोई मटेरियल के ऊपर आपको टिन का कोटिंग देना है तो उसका आंसर हो जाएगा टिनिंग। अगर कोई मटेरियल के ऊपर, अगर मान लीजिए स्टील के ऊपर, ठीक है, आपको गैल्वनाइज करना है, जिंक का प्लेटिंग देते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं, हम गैल्वनाइज्ड आयरन हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टिन का कोटिंग देते हैं तो उसको हम टिनिंग बोलते हैं, अगर जिंक का कोटिंग देते हो तो हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइज्ड बोलते हैं। एंड देखिए ये जो लेड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर अंडरग्राउंड केबल है कोई, जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन वायर, तो उसको कोरोशन रेजिस्टेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेड को, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया, ये भी आप नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है इन द प्रोसेस ऑफ कैलोराइजिंग, तो कैलोराइजिंग जो प्रोसेस है, व्हिच टाइप ऑफ पाउडर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोशन। तो देखिए कैलोराइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, इसको जो मेन पॉइंट है, कैलोराइजिंग प्रोसेस में हम किस पाउडर, किस मटेरियल से बना हुआ पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैलोराइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम एल्युमिनियम जो पाउडर है, एल्युमिनियम पाउडर जो है इसको हम फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैलोराइजिंग प्रोसेस में हम जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम से बना हुआ पाउडर। एंड जिंक का कोटिंग देने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैल्वनाइज बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी मैं पहले ही आपके साथ चर्चा किया है, ठीक है जी, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन भी आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया था क्या एनोडाइजिंग क्या है, ठीक है, एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम किस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थीके? आपको अगर पूछा है कि एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है, व्हिच मेटल इज आइडियली सुइटेबल फॉर एनोडाइजिंग, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए कौन सा पाउडर का हम चयन करते हैं, उसका भी आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पाउडर। तो देखिए इधर में कैलोराइजिंग प्रोसेस में भी हम एल्युमिनियम पाउडर जो है इस्तेमाल करते हैं, एंड एनोडाइजिंग इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है इसमें भी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स के ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स के में क्या बोला है देख लेते हैं। व्हिच वन फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द लीस्ट ब्रिटिल मटेरियल, ठीक है। तो इनमें से ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है अहमदाबाद आरआरबी एएलपी अहमदाबाद का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या व्हिच वन फ्रॉम द अमंगेस्ट फॉलोइंग इज द लीस्ट ब्रिटिल, इनमें से सबसे कम ब्रिटिल मटेरियल, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। तो ये जो कॉपर जो है ना, एक बहुत ही डक्टाइल मटेरियल है। एंड देखिए ये जो डक्टिलिटी, ब्रिटिलनेस, ये ब्रिटिल का जो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है डक्टाइल। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी का जो रिवर्स प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट प्रॉपर्टी है, जो विपरीत प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो ब्रिटिलनेस का जो रिवर्स प्रॉपर्टी या उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी होता है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, टेम्परिंग करते हैं, तो टेम्परिंग करने के समय क्या होता है, ब्रिटिलनेस हट जाता है, एंड कौन सा प्रॉपर्टी आ जाता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। एंड देखिए डक्टिलिटी
प्रॉपर्टी का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ कोई भी मटेरियल को आपको वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, उसको खींचने के लिए वो खींचने के अगेंस्ट वो अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा एंड उसका कोई ब्रेकिंग नहीं होगा, इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इस क्षमता को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। एंड देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था आरआरबी एएलपी अहमदाबाद एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, एज कंपेयर टू स्टील द डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम, तो स्टील के हिसाब से एल्युमिनियम का डेंसिटी कितना टाइम है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1/3। एंड देखिए इसके साथ कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो है हमको साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आयरन, ठीक है, आयरन का जो डेंसिटी होगा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा आयरन का, वो क्या है 7.87, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको जान लेना पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसके साथ डेंसिटी का रिलेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेसिफिक आपका जो आयरन है, ठीक है, आयरन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, आयरन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.87। ठीक है, कॉपर का अगर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो है 8.96 है कॉपर का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, वाटर का जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन आया था माइल्ड स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.85 एंड देखिए एल्युमिनियम जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.8। तो 2.8 से आपको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज आ जाएगा 7.8। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1/3, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम क्या है, कॉपर का जो डेंसिटी है उसका 3 times है। तो आप उसको घुमा के भी बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो डेंसिटी है वो स्टील का जो डेंसिटी है उसका 1/3 है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आरआरबी एएलपी अजमेर में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो नीचे वाला जो चारों ऑप्शन है आरआरबी बेंगलोर में आया था। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला चार ऑप्शन है इसमें आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा मटेरियल जो है उसका कंडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, देखिए आरआरबी एएलपी बेंगलोर में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। एंड जो सिल्वर जो है ना, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कॉपर से ज्यादा है। सिल्वर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन कॉपर। ठीक है, कॉपर से सिल्वर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड देखिए कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ये है गुड कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है, एंड देखिए जो मटेरियल ताप तड़ित का कंडक्शन करते हैं, ठीक है, उसका जो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो नंबर होगा है वो हो सकता है 1, 2, 3। ठीक है, मेटल है, हम जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ाई किया है कि मेटल जिस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसका होता है उसका जो बाहर का जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 1, 2 और 3 हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आया है आरआरबी एएलपी किस में, बेंगलोर में। ठीक है, आरआरबी एएलपी बेंगलोर में आया है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, ये जो गिवन ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। एंड इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप नोट डाउन कीजिए, हाईएस्ट जो कंडक्टिविटी है उसका है सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद कॉपर के बाद आता है एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के बाद जो दूसरा मटेरियल आता है वो है स्टील। तो ये जो सीरीज है आपको याद रखना पड़ेगा, पहले सिल्वर होगा, उसके बाद कॉपर आएगा, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा स्टील। ठीक है, तो इसी करके आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर। तो देखिए मैलेबिलिटी होता क्या है, मान लीजिए ऐसा करके दो रोलर है, ठीक है, ये दो रोलर है एंड इसके अंदर आप कोई इनगॉट है, ठीक है, कोई इनगॉट है जिसको आप प्लास्टिक स्टेट में ला चुका हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये रोलर के अंदर से आपको छोड़ देते हैं। तो एक रोलर क्या होगा, रोलर क्या करेगा, ये रोलर करेगा एंड इसको रोलर का एक कंडीशन है, एक दोनों जो रोलर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमेगा। मान लीजिए ए रोलर जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ए रोलर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तभी ये जो इनगॉट है आगे की ओर बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये इसको इसका जो डायमीटर है इसको रिडक्शन करेगा एंड इसको शीट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, शीट में इसको क्या करेगा, शीट में इसको कन्वर्ट करेगा। ऐसे इसको शीट में कन्वर्ट करेगा। तो जिस्ट प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोलर के अंदर घुसा के, ठीक है, कोई भी इनगॉट को शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकता है एंड इसके लिए हम जो फोर्स लगाते हैं, देखिए नीचे वाला रोलर जो है ऊपर की तरफ फोर्स डालता है और ऊपर वाला रोलर जो है नीचे वाला फोर्स को नीचे के और फोर्स डालते हैं। तो इसको में क्या फोर्स लगते हैं, इसको इसमें लगता है कॉम्प्रेसिव फोर्स, इसमें लगते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स डाल के, ठीक है, हम अगर कोई शीट बना सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी के कारण हम क्या कर सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी मटेरियल को। एंड ये देखिए एक स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी जो है ना ये डक्टिलिटी का एक स्पेशल केस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द मेटल इन द प्रोसेसेस ऑफ कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो देखिए कास्टिंग के लिए भी मेटल को हमको क्या करना है, उसको मेल्टिंग पॉइंट में लाना पड़ेगा, वेल्डिंग के लिए भी मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा, ब्रेजिंग के लिए भी मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड देखिए सोल्डरिंग के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये सभी प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, मेटल को मेल्टिंग करना पड़ेगा एंड मेटल को मेल्टिंग करने के का मेल्टिंग होने का जो क्षमता है उसको बोलते हैं फ्यूज एबिलिटी। मेटल जो गल सकता है उसको हम बोलते हैं फ्यूज एबिलिटी। तो मेटल को फ्यूज एबिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेटल फ्यूज नहीं होता है, उसका अगर मेल्टिंग नहीं होता है, तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस के बारे में ऊपर में बोला है प्रोसेस नहीं कॉन्टैक्ट होगा। तो मटेरियल का जो क्षमता होना पड़ेगा वो है फ्यूसिबिलिटी। एंड देखिए ये जो फ्यूसिबिलिटी है ना ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल को जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल का जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकता है। तो फ्यूसिबिलिटी मटेरियल का क्या है, फ्यूसिबिलिटी मटेरियल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए भुवनेश्वर आरआरबी एएलबी भुवनेश्वर एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है। एंड देखिए इसमें क्या पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लेस कार्बन कंटेंट, इनमें से कौन सा मेटल का जो कार्बन परसेंटेज है उसका कार्बन परसेंटेज सबसे कम है। तो देखिए आपको बोल देते हैं पहले, ये जो प्लेन कार्बन स्टील है ना, प्लेन कार्बन स्टील का कार्बन का जो परसेंटेज रहते हैं लगभग 0.15 से 1.5 के अंदर इसका कार्बन परसेंटेज रहते हैं। लो कार्बन स्टील, हम डेड माइल स्टील को इधर में नहीं लेते हैं, लो कार्बन स्टील से लेकर हाई कार्बन स्टील का जो कार्बन परसेंटेज रहते हैं 0.15 से लेकर 1.5 तक, ठीक है। रॉट आयरन जो है इसमें कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं 0.02% तक, ठीक है, 0.02% तक। एंड देखिए ये जो पीग आयरन है, पीग आयरन में कार्बन परसेंटेज रहते हैं 1 से 5, कोई कोई बुक से 3 to 5 भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 5% तक। एंड देखिए कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज जो है ये 2 से लेके 4% या कभी कभी आपको इधर ए भी देखने मिलेगा 1.7 से 4.5 तक।
तो देखिए ये जो चारों जो ऑप्शन है इसको देख के आपको क्या लगता है, जो सबसे कम जो कार्बन रहते हैं किस में, रॉट आयरन में रहते हैं। तो रॉट आयरन के इसीलिए रॉट आयरन का हम बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट शुद्ध फॉर्म है वो है रॉट आयरन, रॉट आयरन है आयरन का शुद्ध फॉर्म, ठीक है। एंड देखिए ये जो रॉट आयरन है ना ये क्या है, इजीली फोर्जेबल होता है क्योंकि इसको हम प्लास्टिक स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या पूछा है, द मेन एलॉयिंग एलिमेंट ऑफ द एचएसएस। तो देखिए एचएसएस तो एक एब्रिविएटिव नेम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एच का मतलब है हाई, पहला जो एच है उसका मतलब है हाई, दूसरा ये जो एस है पहला वाला जो एस है इसका मतलब है स्पीड, ठीक है, इसका मतलब है स्पीड, एंड जो सेकेंड जो एस है इसका मतलब है स्टील। तो एचएसएस का फुल फॉर्म क्या हो गया है, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो एचएसएस का मतलब है हाई स्पीड स्टील, एंड ये जो हाई स्पीड स्टील जो है इसमें चारों उपादान के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये एक जो है एक देखिए इधर में लिखा हुआ है टांगस्टेन, एचएसएस स्पीड में क्या रहते हैं, टांगस्टेन रहते हैं, क्रोमियम रहते हैं, ठीक है, एंड क्या रहते हैं, वैनेडियम रहते हैं, ठीक है। उसके साथ एक और भी एलिमेंट रहते हैं वो है कार्बन, कार्बन कार्बन रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए टांगस्टेन का जो परसेंटेज है वो है 18%, 18% क्या प्रेजेंट रहते हैं टांगस्टेन, इसमें कार्बन टांगस्टेन का जो प्रेजेंस है वो है 18%, ठीक है, टांगस्टेन रहते हैं 18%, क्रोमियम रहते हैं 4%, 4% क्रोमियम रहते हैं, एंड वेनेडियम जो है 1% रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो कार्बन का जो परसेंटेज है ये है 0.7 से लेके 1 तक, 0.7 से लेके 1% क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा है टंगस्टन। तो एचएसएस में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो है टंगस्टन, ठीक है। तो मेन अलॉयिंग एलिमेंट जो है एचएसएस का वो क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो एक्सटर्नल लोड का जो अगेंस्ट में, ठीक है, देखिए पहले देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन कहाँ पर आया था, ये जो क्वेश्चन आया था आरआरबी एएलपी जम्मू कश्मीर एग्जामिनेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ। तो पहले स्ट्रेंथ क्या है ये आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेंथ है क्या। तो देखिए मेटल मटेरियल का ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, कोई भी मटेरियल का डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, उसका विकृति होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा। मान लीजिए इधर में आप फोर्स लगा रहा है तो क्या क्या होगा, होगा ये एक्सटेंशन होगा, इसका एक्सटेंशन होगा। लेकिन स्ट्रेंथ जो है अगर लोड इसको ऊपर लोड अगर हटा देता है तो क्या हो जाएगा, आगा जो इसका पहला जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेंथ मटेरियल का एक एबिलिटी है जिसके कारण उसका जो यील्डिंग है, ठीक है, एंड जो डिफॉर्मेशन है दोनों को वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स मेरा स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका आंसर। अगर मटेरियल के ऊपर आप लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद उसका पहले जो स्टेज है उसमें अगर आ सकते हैं तो उसको इलास्टिक बोलते हैं, अगर पहले स्टेज में नहीं आ सकते तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिक स्टेज, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द मेटल हैविंग द गुड वेल्डेबिलिटी इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन सा मटेरियल का वेल्डिंग एबिलिटी ज़्यादा है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, इसके बारे में एक सीरीज आया है, ठीक है। इस सीरीज को आपको एनालिसिस करके इसका आंसर देना पड़ेगा ये क्या, कौन सा मटेरियल का वेल्डिंग जो एबिलिटी है उसके आगे होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। एंड देखिए आरआरबी मालदा में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट वाला एक क्वेश्चन आया है आरआरबी मालदा में, ठीक है। तो देखिए ये जो किसका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा है ऑप्शन ए। तो देखिए सबसे पहले जो वेल्डेबिलिटी है कास्ट स्टील का, उसके बाद आयरन का, उसके बाद कार्बन स्टील का, एंड उस जो लास्ट में है जिसमें जो वेल्डेबिलिटी नहीं होता है उसके उसमें उसका क्या आंसर हो जाएगा, कास्टरन। एंड कास्टरन वेल्डेबल जो नहीं है उसका कारण क्या है, कास्टरन में प्रेजेंट रहते हैं ग्राफाइट,
ठीक है, कास्ट आयरन मान के हम कास्ट आयरन बोलते हैं, हम किसको मानते हैं, ग्रे कास्ट आयरन को बोलते हैं, इधर में हम व्हाइट कास्ट आयरन के बात नहीं बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन के अंदर क्या रहते हैं, ग्राफाइट, कास्ट आयरन के अंदर रहते हैं ग्राफाइट। एंड एक और जो एलिमेंट रहते हैं वो है सिलिकॉन, कास्ट आयरन के अंदर रहते हैं ग्राफाइट एंड सिलिकॉन। ये जो ग्राफाइट एंड सिलिकॉन जो है ये क्या करते हैं, लाम्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये लाम्स फॉर्मेशन के लिए कास्ट आयरन वेल्डेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाई कास्ट आयरन इज डिफिकल्ट फॉर वेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन के अंदर रहते हैं सिलिकॉन, कास्ट आयरन के अंदर रहते हैं ग्राफाइट, जो क्या करते हैं लाम्स फॉर्मेशन करते हैं, लाम्स फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कास्ट आयरन को हम वेल्ड नहीं कर सकते। अगर कास्ट आयरन को कोई भी टाइम वेल्डिंग करना पड़ेगा तो कास्ट आयरन को पहले से प्री हीटिंग कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कास्ट आयरन में क्रैक आने का चांसेस है। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं जो कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो टाइम डिपेंडेंट मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है वो है क्रीप। ठीक है, ये है टाइम डिपेंडेंट एंड ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको पूछा है कौन सा प्रॉपर्टी जो मटेरियल का है टाइम डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीप। अगर हाई टेम्परेचर के बजाय होता है, ये जो क्रीप जो है हाई टेम्परेचर के फेलियर जो होता है हाई टेम्परेचर के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्रीप। क्रीप एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। RRB मुंबई में आया है, बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इधर में पूछा है रेजिस्टेंस डेवलप बाय द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज। तो देखिए रेजिस्टेंस का मतलब इधर में क्या है, अगर कोई भी मटेरियल सरफेस, ठीक है, कोई भी मटेरियल सरफेस उसके ऊपर में आप अगर एब्रेशन करते हैं, उसका घिसते हैं, तो ये क्या होगा, इसका उसका जो वायर नहीं होगा, इसका अगर स्क्रैच करते हैं तो आप स्क्रैच नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका जो पेनिट्रेट, अगर आप कोई भी दूसरा मटेरियल को इसको डाल के इसको पेनिट्रेट करना चाह रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर सके, तो आपको समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऊपर क्या होगा, इसको ऊपर सरफेस जो है हार्ड है। ठीक है, इसको केस हार्डनिंग किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्डनेस। तो हार्डनेस हम किस मशीन से हम हार्डनेस को मेजर करते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हम हार्डनेस मेजर करते हैं, बीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हम हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, एंड ऑल्सो ब्रिनेल बीकर के छोड़ के एक और मशीन भी है, वो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो ये तीनों जो मशीन है इसमें हम हार्डनेस टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड इसमें हम पेनिट्रेशन टेस्ट के माध्यम से हम हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। लेकिन एक और भी हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, उसका नाम है शॉर्ट स्केलेरोस्कोप। वो शॉर्ट स्केलेरोस्कोप के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैचिंग टेस्ट करके हम हार्डनेस को हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई लार्ज कोई जब है, ठीक है, जिसको हम मशीन में नहीं ला सकते, तो उसको अगर हार्डनेस टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए लेथ बेड को हम क्या मशीन के अंदर में ला के उसका हार्डनेस टेस्टिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही बड़ी एक साइज है उसका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मशीन को लाना पड़ेगा जो जिसको हार्डनेस टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे कि लेथ बेड के ऊपर में। तो इसी टाइम हमको जो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है शॉर्ट स्केलेरोस्कोप। एंड शॉर्ट स्केलेरोस्कोप को हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट स्केलेरोस्कोप को हेल्प से हम स्क्रैचिंग टेस्ट के माध्यम से मटेरियल का हार्डनेस माप सकते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड देखिए फ्रेंड्स, इसका PDF मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा जो ऐप से टेक बुक, ठीक है, मैं आपको एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, टेक बुक TECHBOOK, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका छोड़ दीजिए, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है इसका लोगो कैसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो हम इसका आंसर दे दूंगा। आप देख सकते हैं एक बुक्स का आइकन मिलेगा, ठीक है, एक बुक्स का आइकन मिलेगा, ठीक है, एक आई का भी आइकन मिलेगा। तो ये टेकबुक का एप्स का जो आइकन है, एंड इसका PDF कॉपी टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, ठीक है। एंड देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर फ्री टेस्ट है मेरा एप्स में, आप दे सकते हैं। रेलवे का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था,
2018 का, उसका भी टेस्ट सीरीज मेरा फ्री मटेरियल में है, आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई आपको ढूंढने में कोई दिक्कत है एप्स के अंडर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखिए हुक्स जो है, हुक्स लॉ के अंदर जो आते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हम जानते हैं। तो ये अगर प्रोपोर्शनल साइन को उठाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो ई है इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस या जावान मॉड्यूलस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर आपको मिलेगा ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बोला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड देखिए ये जो यंग्स मॉड्यूलस है ना, यंग्स मॉड्यूलस को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि शियर मॉड्यूलस को हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, उसी तरफ हम यंग्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, जापान मॉड्यूलस एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका अगर प्रोपोर्शनल अगर साइन आपको उठाना पड़ेगा तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वो है ई, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर एक और भी क्वेश्चन पटना की ओर, पटना के बोर्ड से आया है स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखिए पहले जो मैं डिस्कस कर सका हूं। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस बाय, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्स बाय एरिया। क्योंकि स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस का मतलब क्या है, अगर कोई जॉब है, मान लीजिए ए एक जॉब है, ठीक है, तो इधर को आप दोनों तरफ से जो फोर्स लगा के आप खींचते हैं, तो इसका इनर एरिया में, इसका विपरीत में क्या होगा, इसका विपरीत में एक रिएक्शन होगा। ठीक है, इस जो रिएक्शन है ये पार स्क्वायर यूनिट स्क्वायर एरिया में जो इफेक्ट डालेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये है फोर्स और इस एरिया में इफेक्ट डाल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स बाय एरिया हो जाएगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस को हम फोर्स बाय एरिया करके डिफाइन करते हैं। एंड देखिए फोर्स बाय एरिया अगर आ गया है, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, एंड एरिया को हम मिलीमीटर से लिखते हैं, तो फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेस का जो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ए है क्या, ए है इसका स्ट्रेस का जो यूनिट, आरआरबी एएलपी पटना में आया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो मेटल का जो पहले वाला वीडियो, मेटल एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एंड इसका जो एक्सपांशन है, इसका जो लिमिट है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक वीडियो में मेटल के बारे में सभी कुछ बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका सीरीज रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये पार्ट वन वीडियो है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड टू द स्टील टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोशन इन एनवायरमेंट लाइक सी वाटर। तो सी वाटर कोरोशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी वाटर जो कोरोशन है उसका अगेंस्ट में फ्रैक्चर रेजिस्ट करने का जो क्षमता है, ठीक है, कौन सा मटेरियल के लिए, कौन सा मटेरियल इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त कॉपर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा इसका आंसर। आरआरबी अहमदाबाद में आया है एक क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्ट वाटर जो कोरोशन है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स कॉपर। तो ये पार्ट वन वीडियो इस क्वेश्चन से हम एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, टेलीग्राम एंड एप्स का ज्वाइन होने का लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।